हेलो दोस्तों दोस्तों ये मूवी आधारित है गांव में या फिर पिछड़ा हुआ जगह बोल सकते हैं। और अगर तू अपना जान माल का हिफाजत चाहता शादी के टाइम जाते चुपचाप चल के हमरा बिटिया से बियाह किसी का शादी लखपाल साहब के दुल्हा बना के लिया हुआ मंडप पे रहे देखा तो उसको पकड़ के जबरन शादी करवा दिया जाएगा। आपन माई बाबू जी के फोन करके बता दा कि रउआ उनके पतो लेके जा रहा बानी। अरे भाई स्वागत की तैयारी करें। अगर ही कमातना ना ओके हम ही करतूत पे घर से बाहर निकाल दे कौन कौन जाती कर लेगी से ब्याह के क्या बता पर मामूली लेगी से ब्याह वाला का तो हमार बिटिया कॉर्पोरेट में जॉब कर आजकल ना नाग नागिन टाइप सीरियल ना बहुत चल रहा है और डिमांड भी है। सीखिए आप लोग दीपिका से एक कॉन्सेप्ट के बारे में सोचती है और जब वो मिलती है तो वन लाइन के साथ मिलती है। पता नहीं कहाँ से ही कपार पेट बहुला के हमें कपारे पे बैठा दे ले। कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट में हाँ वो है सबसे बड़ा मरहम बा और वो सब घाव भर देला। आपना बिल्कुल हमार मम्मी जैसा है। आप हमार पापा के पत्नी है ना तो हमार का बहनी मम्मी अखियां के तारा हुआ जिए के सहारा हुआ तोरा के तोहरा से ज्यादा प्यार अपना बेटा से तई में का गलती कर दल सबके भी ना अपना मोर से ज्यादा ना सूत से प्यार हो अपना बेटा के अनाथ आश्रम में भेजता इतना घटिया सोच एक छोटा बच्चा खातिर ममता ही मनहूस मां जेकर साया आंसू में पड़ गया। अरे ईगो का यार और अगर तू अपना जान माल का हिफाजत चाहता चुपचाप चल के हमरा बिटिया से ब्याह कर लखपाल साहब के दुल्हा बना के लियावा मंडप पे रहे आपन माई बाबूजी के फोन करके बता दा कि रउआ उनके पतो लेके जा रहा बानी। अरे भाई स्वागत की तैयारी करें। अगर ही कमातना ना ओके हम ही करतूत पे घर से बाहर निकाल दे कौन कौन जाती कर लेगी से ब्याह के क्या बता पर तो मामूली लेगी से ब्याह वाला का तो हमार बिटिया कॉर्पोरेट में जॉब करे ले कपार पेट आजकल ना नाग नागिन टाइप सीरियल ना बहुत चल रहा है और डिमांड भी है। सीखिए आप लोग दीपिका से एक कॉन्सेप्ट के बारे में सोचती है और जब वो मिलती है तो वन लाइन के साथ मिलती है। पता नहीं कहाँ से कपार पेट बहू ला के हमारे कपारे पे बैठा दे ले। कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट माई हाँ बाते कुछ खास तबे सोटा दारू पास आज लागे लोगा जाब धनिया अब बुझा तानी सो कौन लेकी से ब्याह कर कबल मई रुक तनी मुंह धो के आउत उ खानदान के इज्जत धोए पे लागल ब्याह इनके आके हाथ मुंह धोए के कि हमर दिल्ली के सहेली लोग कहला ना कि सुहाग रात के दिन ना पति देव से मस्ती मजाक कैला से ना ताल मेला अच्छा रहेला जी। एक सांच के काम दाए बाए होनी कि वतने में तू ब्याह कर लेला कॉर्पोरेट में जॉब कर लेना मने ई गांव में कॉर्पोरेट बहु आइल बिया आज रात भर सोता जहने नींद में कहत अमर जी
रउआ और रउआ के परिवार एक का गुल खिलौने बा। एगो लइका के बाप होके ऐसन करे में रउआ शरम ना आइल। हमार बेटी एकरा के जन्म दे के मर गइल। काजी एक सही कहा था तोरा के शरम ना आइल ना है? शादी शुदा भइला के बाद भी हमरा बेटी से शादी कइला तू? हमार घर वाला आज तक ले यह सोचत रहन जा हम दीपिका से लव मैरिज करनी, लेकिन ना सच्चाई तो यही बाटे कि हमार जबरन बियाह भइल। जबरन शादी मिल गए सुकिन रहुआ के अपन बेटी के जिंदगी उजाड़ के। हम कहब तो बाबू लागू प्रधान जी, अगर ओकर बात सुन ले रहती तो आज ही दिन देखे के ना पड़त। समय दुनिया के सबसे बड़ा मरहम बा और वो सब घाव भर देला। आप ना बिल्कुल हमार मम्मी जैसन है। आप हमार पापा के पत्नी है ना, तो हमार का बहनी मम्मी। अखिया के तारा होवा, जिए के सहारा होवा। ओकरा के तोहरा से ज्यादा प्यार अपना बेटा से है। तई में का गलती कर दल, सबके भी ना अपना मूड से ज्यादा ना सूद से प्यार होला। हमरो मरिया जुग जुग जिया मुर लेने वाहो। अपना बेटा के अनाथ आश्रम में भेज दा। इतना घटिया सोच एगो छोट बच्चा खातिर। हमार ममता ही मन हो उस बा जेकर साया आंसू पे पड़ गए। तोहरा के हमार बेटी चाहिए या अपन बेटा? बेटा और अगर तू अपना जान माल का हिफाजत चाहता है चुपचाप चल के हमरा बिटिया से ब्याह कर। लेखपाल साहब के दुल्हा बना के लियावा मंडप पे रे। आपन माई बाबूजी के फोन करके बता दा कि रउआ उनके पतो लेके जा रहा बानी। अरे भाई स्वागत की तैयारी करें। अगर ही कमात ना ने? ओके हम ही करतूत पे घर से बाहर निकाल दे। कौन कौन जाती कर लेगी से ब्याह के क्या बता? पर तो मामूली लेगी से ब्याह वाला का तो आ हमार बिटिया कारपोरेट में जॉब करे ले। कारपेट आजकल ना नाग नागिन टाइप सीरियल ना बहुत चल रहा है और डिमांड भी है। सीखिए आप लोग दीपिका से, एक कॉन्सेप्ट के बारे में सोचती है और जब वो मिलती है तो वन लाइन के साथ मिलती है। पता नहीं कहाँ से कपार पेट बहू ला के हमरे कपारे पे बैठा दे ले। कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट माई। हाँ वो है। बात बाटे कुछ खास तबे सोटा दारू पास आज लागे लोगों जॉब धनिया। अब बुझो तनी सो। कौन लेके से ब्याह कर कबल माई? रुक तनी मुंह हाथ धो के आउत। वो खानदान के इज्जत धोए पे लागल ब्याह। इनके आके हाथ मुंह धोए कि हमार दिल्ली के सहेली लोग कहेला ना कि सुहाग रात के दिन ना पति देव से मस्ती मजाक कैला से ना ताल मेला अच्छा रहेला जी। एक सांच के काम दाए बाए होनी कि वतने में तू ब्याह कर लेला। कॉर्पोरेट में जॉब कर लेना। मने ये गांव में कॉर्पोरेट बहू आइल बिया। आज रात भर सोता जहने नींद में। कहा दामाद जी रउआ और रउआ के परिवार एक का गुल खिलौने बा। एगो लइका के बाप होके ऐसन करे में रउआ शरम ना आइल। हमार बेटी एकरा के जन्म दे के मर गइल। काजी एक सही कहा था तोरा के शरम ना आइल ना है? शादी शुदा भइला के बाद भी हमरा बेटी से शादी कइला तू? हमार घर वाला आज तक ले यह सोचत रहन जा हम दीपिका से लव मैरिज करनी, लेकिन ना सच्चाई तो यही बाटे कि हमार जबरन बियाह भइल। जबरन शादी मिल गए सुकिन रउआ के अपन बेटी के जिंदगी उजाड़ के। हम कहब तो बाबू लागू प्रधान जी, अगर ओकर बात सुन ले रहती तो आज ही दिन देखे के ना पड़त। समय दुनिया के सबसे बड़ा मरहम बा और वो सब घाव भर देला। आप ना बिल्कुल हमार मम्मी जैसन है। आप हमार पापा के पत्नी है ना, तो हमार का बहनी मम्मी। अखिया के तारा होवा, जिए के सहारा होवा। ओकरा के तोहरा से ज्यादा प्यार अपना बेटा से है। तई में का गलती कर दल, सबके भी ना अपना मूड से ज्यादा ना सूद से प्यार होला। हमरो मरिया जुग जुग जिया मुर लेने वाहो। अपना बेटा के अनाथ आश्रम में भेज दा। इतना घटिया सोच एगो छोट बच्चा खातिर। हमार ममता ही मन हो उस बा जेकर साया आंसू पे पड़ गए। तोहरा के हमार बेटी चाहिए या अपन बेटा? बेटा